हे hey चैंपियंस आज हम लोग बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो पार्टिकल नेचर है पार्टिकल नेचर बताने की दो चीज़ें थी एक तो था आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो मैं ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ और एक है पार्टिकल नेचर बताने का दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हमें पार्टिकल नेचर के बारे में बताता है इस चीज़ का ध्यान रखना और ये चीज इम्पॉर्टेंट है अगर मैं इसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन से कंपेयर करूँ तो क्लियर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो कहानी है वो बेसिकली स्टार्ट स्टार्ट हुई हुई थी थी? में। कब हैनरिच हर्ड्स इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ ऑब्जर्वेशन आए तो जब उस एक्सपेरिमेंट के बाद जो ऑब्जर्वेशन आए उस ऑब्जर्वेशन से ये काफ़ी परेशान हो गए तो आइए देखते हैं कि बेसिकली जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट था उस एक्सपेरिमेंट का बेसिकली सेटअप क्या था तो अगर मैं बात करती हूँ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट की तो यहाँ पर आप एक चीज ध्यान से देखना कि यहाँ पर आपका क्या है एक ग्लास ट्यूब है क्लियर है और ये हो गया आपका मेटल सरफेस एंड दिस इज डिटेक्टर जिसको हम लोग कलेक्टर भी कह सकते हैं क्लियर है और ये आपका क्या है एमिटर जिसके थ्रू डिफ्लेक्शन दिखता है और फिर हमने यहाँ पर क्या लगा दी बैटरी सो दिस इज द ओवरऑल सेटअप ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली हुआ क्या जब लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी जब लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी को मेटल पर डाला गया तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गए और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे वो कहाँ पर जा रहे थे वो डिटेक्टर के पास जा रहे थे या कलेक्टर के पास जाके कलेक्ट हो रहे थे क्लियर है एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे क्वार्ट्स की विंडो लगाई थी कौन सी विंडो लगाई थी क्वार्ट्स की विंडो क्वार्ट्स की विंडो क्या होती है जो रेडिएशन को आने देती है अगर आप क्वार्ट्स की विंडो की जगह ग्लास की विंडो लगाते तो वो कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता इसीलिए ग्लास की विंडो ना लगा के कौन सी विंडो लगाई गई थी पर क्वार्ट्स की विंडो ये चीज़ NCRT में नहीं गिवन है तो आपको इतना ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है तो जब लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी मेटल पे जब डाला गया तो फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हुए और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे कलेक्ट हो रहे हैं डिटेक्टर पे जिसको हम लोग कलेक्टर भी कहते हैं क्लियर हुआ तो जब इलेक्ट्रॉन निकले तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे वो तो हमें दिख नहीं रहे थे तो हमें पता कैसे चला हमें ऐसे पता चला कि जो एमीटर था उसमें क्या आया डिफ्लेक्शन आया उसमें क्या आया डिफ्लेक्शन आया तो जब एमिटर में डिफ्लेक्शन आया तो हमें पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल रहे हैं क्लियर हुआ तो दिस इज द ओवरऑल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बट इन्होंने क्या किया इन्होंने दो चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट किया वो दो चीजें कौन कौन सी थी वो दो चीजें थी एक तो थी आपकी इंटेंसिटी और दूसरी थी फ्रीक्वेंसी अब क्वेश्चन अप होता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है तो आइए देखते हैं व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी आपके घर में टीवी होगा और अगर टी होगा तो रिमोट भी होगा यस और नो तो रिमोट में ना दो बटन होते हैं एक होता है ब्राइटनेस का और दूसरा होता है कलर चेंज का ठीक है तो जो ब्राइटनेस होता है दैट इज रिलेटेड विद ब्राइटनेस इज रिलेटेड विद इंटेंसिटी एंड color change is related with frequency. Clear हुआ लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि एक time पर आप एक ही काम कर सकते हो अगर आप लोग intensity change कर रहे हो तो जो frequency है that will remain same. और अगर आप frequency change कर रहे हो तो जो आपकी इंटेंसिटी है दैट विल रिमेन सेम तो जब इन्होंने ऐसा किया तो कुछ ऑब्जर्वेशन निकल कर आया वो ऑब्जर्वेशन क्या निकल कर आया ध्यान से सुनना ऑब्जर्वेशन ये था कि अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे थे अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे थे एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी पर तो जो आपकी कैनेटिक एनर्जी थी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की वो भी क्या हो रही थी वो इंक्रीज हो रही थी और अगर हम लोग इंटेंसिटी बढ़ा रहे थे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर मतलब हमने फ्रीक्वेंसी फिक्स रखा था तो जो नंबर ऑफ़ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या हो रहे थे वो भी इंक्रीज हो रहे थे इज दैट क्लियर बट अभी तक हमने क्या देखा था जब मैं बात करती हूँ वेव नेचर की तब क्या देखा गया था कि जो फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड विद नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स And intensity is related with intensity is related with kinetic energy. तो जो आपके scientists थे ना हेनरिस Hertz, वो confused ho gaye कि यार ये क्या हो गया वेव नेचर में अगर मैं बात करती हूँ वेव नेचर की तो वेव नेचर ये कहता था जो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे थे कि जो फ्रीक्वेंसी है वो नंबर ऑफ इजेक्टेड electrons related रिलेटेड है और जो आपकी इंटेंसिटी है दैट इज रिलेटेड विद कनेटिक एनर्जी बट यहाँ पे तो सारी चीजें उल्टी हो गई समझ में आई बात तो बेसिकली हुआ क्या 1887 से लेकर 1905 तक सब लोग शॉक में थे 1905 में एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया दैट इज आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इसी एक्सपेरिमेंट के लिए इन्हें 1921 में नोबेल प्राइज भी मिला फिर आइंस्टाइन ने इस्तेमाल किया 1901 में आने वाली प्लैंक की क्वांटम थ्योरी का क्लियर है अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो फिर आइंस्टाइन ने अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दी और आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स बनाए विद द हेल्प ऑफ प्लैंग क्वांटम थ्योरी तो आइए देखते हैं कि वो पॉइंट्स बेसिकली थे क्या क्या वो ऑब्जर्वेशन क्या थी तो पहला था द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सर्फेस एज सोन एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक द सर्फेस that is there is no time lag between the striking of light beam and the ejection of electron from the metal surface kehne ka matlab hai ki jaise hi ek incident light jab metal surface pe padti hai to us samay jo electron nikalta hai jaise hi incident light metal surface pe pad rahi hai aur jab electron nikal raha hai तो उसके बीच में ना कोई time lag नहीं होता मतलब कोई time difference नहीं होता जैसे ही metal surface पे light पड़ेगी फॉरन इलेक्ट्रॉन क्या होगा निकलेगा तो ये तो इनकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी अब अगर मैं बात करती हूं सेकेंड ऑब्जर्वेशन की तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या थी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रपोर्शनल टू द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट कहने का मतलब है जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थर्ड पॉइंट ये आता है फॉर ईच मेटल देर इज अ के कैरेक्टरिस्टिक्स मिनिमम फ्रिक्वेंसी वी नॉट कहने का मतलब है हर एक मेटल की एक अपनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम लोग म्यू नॉट बोलेंगे ठीक है और जिसका नाम क्या होता है थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड एट अ फ्रीक्वेंसी वी इज ग्रेटर देन वी नॉट द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स कम्स आउट विद द सर्टेन कैनेटिक एनर्जी इसका मतलब ये है जब तुम्हारी इंसिडेंट लाइट मेटल की सरफेस पे गिरी तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ना वो ज्यादा होनी चाहिए किसी भी अपनी मेटल की फ्रीक्वेंसी से किसी भी अपनी मेटल की मिनिमम फ्रीक्वेंसी से क्लियर है लास्ट पॉइंट आता है द कानेटिक एनर्जीज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज कहने का मतलब है जो आपकी फ्रीक्वेंसी है जिसको आप लोग यूज कर रहे हो वो जो फ्रीक्वेंसी होगी ना उस फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या होगी वो भी इंक्रीज होगी तो ये आपके कुछ सर्टेन पॉइंट्स थे जो आइंस्टाइन ने अपने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताए अब बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं मान लो मेरे पास ये मेटल है ठीक है आपने ये मेटल पर एक लाइट डाली और ये जो लाइट है तुमने जो इंसिडेंट लाइट डाली आइंस्टाइन ने बोला ये जो लाइट आ रही है इसकी एनर्जी कितनी है एच न्यू क्लियर है तो मेटल पर जब ये इंसिडेंट लाइट पड़ी तो एनर्जी के बेसिक लिए दो पार्ट हो गए एक पार्ट वो हो गया अगर मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो उस इलेक्ट्रॉन को सरफेस पे लाने के लिए मतलब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन तोड़ने के लिए मिनिमम एनर्जी लगी और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन टूट गया तो वो फ्री हो गया और जैसे ही वो फ्री हो गया वैसे वो क्या वो क्या करने लगा वो भागने लगा तो जब वो भागने लगा तो हमें क्या मिला हमें मिला कैनेटिक एनर्जी क्लियर हुआ इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है सरफेस पे जब इलेक्ट्रॉन निकल के सरफेस पे आया तो उसकी कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी जिसको हम लोग क्या कहते हैं फाइ कहते हैं और जैसे ही वो चलने लगी तो उसकी क्या निकल कर आ गई कानेटिक एनर्जी तो अगर एक पार्ट मिनिमम है तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा मैक्सिमम कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन को सरफेस पे लाने के लिए हमें मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ी तो काइनेटिक एनर्जी हमें कैसी चाहिए होगी मैक्सिमम इज दैट क्लियर अगर मैं इसको एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन से एक्सप्लेन करूं मतलब वैल्यूज को लेके तो ध्यान से सुनना जो इंसिडेंट लाइट मैंने मेटल पे डाली उसकी वैल्यू कितनी आ रही है टेन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ कितनी रिक्वायरमेंट है हमें सिर्फ और सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रिक्वायरमेंट है तो सरफेस पे आने के लिए अगर हमें सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रिक्वायरमेंट है तो बाकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी कैनेटिक एनर्जी में और उसकी वैल्यू कितनी आएगी एट इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्लियर है अब यहां से एक चीज समझ में आ गई कि एनर्जी कंजर्वेशन किस तरीके से हो रहा है तो हमने जब इंसिडेंट लाइट कैनेटिक एनर्जी और ये मेटल पे जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो हमें मिल रही है जब हमने इन सारी चीजों को समप किया तो हमें एक इक्वेशन मिली वो इक्वेशन क्या थी देखो इंसिडेंट लाइट जो आ रही है उसकी एनर्जी है ई आई ठीक है और मेटल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मेटल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक मिनिमम वैल्यू है जिसको हमने बोला वर्क फंक्शन जिसको हम लोग डिनोट करते हैं फाइव से या आप इसको डब्लू से भी डिनोट कर सकते हो क्लियर है और उसी इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए कौन सी एनर्जी है एनर्जी एज वी ऑल नो कि अगर एक वैल्यू मिनिमम है तो दूसरी वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम होगी क्लियर हुआ तो जो इंसिडेंट लाइट है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी एचन न्यू और जो वर्क फंक्शन है वो कितना हो जाएगा एचन न्यू नॉट प्लस कैनेटिक एनर्जी और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं एच सी अपॉन लामडा इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैमडा नॉट प्लस कैनेटिक एनर्जी क्योंकि यहाँ पे जो म्यू है वो किसको वो किसके बारे में बता रहा है वो बता रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट के बारे में ठीक है और म्यू नॉट क्या है आपका थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब जो आपकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है क्लियर है और अगर मैं बात करती हूँ लैमडा नॉट की तो लैम्डा नॉट आपका क्या है थ्रेश होल्ड वेवलेंथ और उसके बाद अगर मैं बात करती हूं लैमडा की तो ये है आपकी वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट ठीक है एच आपको पता ही है एच इज प्लैंक कॉन्स्टेंट तो ये बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन थी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं सो क्लास इज ऑल अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं टिल देन कीप स्माइलिंग कीप शाइनिंग एंड गुड बाय